नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक में ट्रांसफर करते हो तो आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है, मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी शेयर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग को पता होना चाहिए, कुछ वेबसाइटें ऐसी हैं, कुछ ऐप ऐसे हैं जो आपको बोलते हैं कि हम आपका पैसा फ्री में ट्रांसफर कर देंगे। और दोस्तों, आप जो है लालच में आकर जो है 10,000, 20,000, 50,000, 40,000 1,00,000 तक का आप अमाउंट ट्रांसफर कर देते हो। पर दोस्तों, आपका जो पैसा है वो कभी कभी होल्ड पे हो जाता है और आपका पैसा फंस जाता है या आपको अधिक चार्ज देना पड़ सकता है। तो आपको पता है, आपको मालूम होना चाहिए कि नो ब्रोकर कंपनी ऐसी थी जो 1% चार्ज में शुरू में चाहे जितना पैसा भेजो आपका पैसा आपके अकाउंट में आती थी। तो उन्होंने रूल पॉलिसी चेंज किया और वहां पे टर्म एंड कंडीशन में साफ साफ लिखा था कि आप सेल्फ ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो, ये बनाया गया रेंट के लिए। पर दोस्तों, शुरू में जब वो सिस्टम लागू किया तो कोई पॉलिसी कोई रूल नहीं था, आपका पैसा आपको मिलता था। तो ये वेबसाइटें आपका पैसा होल्ड करने लगी, आपका पैसा रुकने लगा, रिफंड होने में टाइम लगने लगा। पर दोस्तों, कुछ ऐसे ऐप आए, कुछ कंपनियां और आई, कुछ वेबसाइटें ऐसी आई जो आपसे अधिक इंटरेस्ट लेकर और आपसे फुल केवाईसी करवाकर फिर से आपको परेशान करने लगी। तो मैं आपको इस वीडियो में इतना शेयर करना चाहूंगा कि आप जब भी किसी वेबसाइट या किसी मोबाइल ऐप कंपनी से अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक में, तो आप दोस्तों 1,000, 1,500, 2,000, 3,000 तक का ट्रांजेक्शन करें। दोस्तों, बड़े अमाउंट का ट्रांजेक्शन ना करें। दोस्तों, अगर आप छोटा छोटा अमाउंट ट्रांजेक्शन करोगे तो इससे आपका जो पैसा अगर फंसता है तभी आपका छोटा अमाउंट जाएगा। अगर दोस्तों बड़ा अमाउंट आपका फंसता है तो आपका जो पैसा है वहां पे अगर बाकी हो जाता है और अगर क्रेडिट कार्ड का बिल अगर जनरेट होता है तो इस महामारी में पैसों की प्रॉब्लम सबके पास है, आप पैसा पे नहीं कर पाओगे और इसके चलते आपको आपके ऊपर 3 से 3.5% क्रेडिट कार्ड का फाइन चार्ज लगेगा और आप परेशान हो जाओगे, आप कर्ज के भागीदारी बन जाओगे। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी ऐसे साइटों पर ट्रस्ट मत करना। और आज के समय में काफी ज्यादा फर्जी साइटें कर रही हैं, आपके पैसे को फंसा दे रही हैं, फंसाने के बाद 3-5 कर रही हैं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है और नो ब्रोकर से दोस्तों ट्रांजेक्शन नहीं करना है। नो ब्रोकर पहले ऐसा काम नहीं कर रहा है क्योंकि नो ब्रोकर पहले अच्छा काम करता था, बट अब उनकी पॉलिसी रूल चेंज हो गई कि उनके पास काफी कस्टमर हो गए हैं। आपको पता होगा कि दोस्तों की जब कुछ कंपनियां आती है शुरू में वो दावे करती है कि मैं आपका पैसा बैंक में ट्रांसफर कर दूंगा हैं और काफी लोग उनके अंडर में हो जाते हैं, तो वो लोग भाव खाते हैं और कस्टमर को परेशान करते हैं और नई नई पॉलिसी की बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको अपना एक पर्सनल ओपिनियन दूंगा कि मैं एक ऐप से ट्रांजेक्शन करता हूं जिसका नाम है पैड किया। तो पैड किया ऐप से, जो कि आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, आप यहां से क्रेडिट कार्ड का पैसा ट्रांजेक्शन कर सकते हो। बट दोस्तों, आपको थोड़ा फीस तो देना पड़ेगा। मैं इस ऐप को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, ना मैंने ऐप से किसी कोई पैसा लिया है। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि ये जो ऐप है काफी दिनों से अच्छा काम कर रही है, किसी का पैसा फंसता नहीं है और इस ऐप का जो होनर है मैं इसको जानता भी हूं और इससे मेरी पहचान भी है और मैंने इस पे काफी ज्यादा वीडियो भी बनाए थे। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पेटीएम का जो मर्चेंट अकाउंट है, अगर फैमिली मेंबर में कोई है तो आप बना के उससे कर सकते हो, बाकी पैड किया ऐप से आप कर सकते हो। और दोस्तों, मैं आपसे और रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसी फर्जी साइटों से आप सावधान रहना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा और आप ऐसे ही परेशान रहोगे। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा, कभी भी रिवॉर्ड पॉइंट चक्कर में आप ट्रांजेक्शन अपने क्रेडिट कार्ड से अधिक मत करना, क्योंकि रिवॉर्ड पॉइंट आपके लिए एक खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, जो ट्रांजेक्शन आप करते हो वो आपके पैन कार्ड में ऐड होता रहता है और आपका जो इनकम है, अगर आप इनकम के ऊपर जाते हो तो आपके पास इनकम टैक्स तरफ से नोटिस भी आ सकता है कि आपका जो अमाउंट है आप किस तरीके से ट्रांजेक्शन कर रहे हो, क्या आपका ब्यौरा मुझे ब्यौरा दीजिए। दोस्तों, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कभी भी ये सब गलतियां आपको नहीं करनी है। और दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का हमेशा फुल अमाउंट पे करने की कोशिश करना, टोटल ड्यू और मिनिमम ड्यू कभी मैं पे करना, इससे आपको इंटरेस्ट लगेगा बट आपके सिविल पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो मैंने आपको बताया है, समझाया है, मैं खुद का आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, जो कि मैं 8 से 9 साल से क्रेडिट कार्ड यूजर हूं और काफी सारा मेरे पास नॉलेज है और मैं काफी ज्यादा रूल और पॉलिसी जानता हूं।
शायद मैं आपको बता पाया हूँ, समझा पाया हूँ। तो अगर मैं आपको सही बातें बता पाया हूँ तो एक लाइक कर देना और लोगों में शेयर करना, मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।